नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। तो आज बात करने वाले हैं, एक मेरे मन में काफ़ी टाइम से डाउट उठ रहा था कि यार ये जो कई स्मार्ट वॉचेस हमने देखी हैं ये सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर करती हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसको रिस्ट पे लगाते हैं तो रिस्ट का भी एक्यूरेट मॉनिटर करती हैं, जबकि अगर सरफेस पे अगर वो मॉनिटर कर रही है तो वो फिर हमारा क्यों सही मॉनिटर कर पाती है। ऐसा मेरे साथ बहुत सारी वॉचेज़ के साथ हुआ है। सबसे पहले Amazfit की वॉच आई थी एक बिप एस सीरीज़ की, उसमें ऐसा होता था। फिर बोट की वॉचेज़ में मैंने ऐसा देखा, चाहे एक्सप्लोरर ले लो या एनिग्मा ले लो। उसके बाद मैंने ये देखा मोलिफ की वॉच के अंदर भी मैंने देखा, और AQFit की वॉच में भी ये देखने को आया। तो ऐसा काफ़ी सारी वॉचेस में देखा कि सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर करती थी, लेकिन जब रिस्ट पे बांधो और ऑक्सीमीटर से चेक करो तो यार रीडिंग बिल्कुल ठीक है। तो इस पे मैंने कहा चलो थोड़ा रिसर्च करके देखते हैं। तो इसमें मुझे ये पता चला कि ये जो वॉचेज़ होती हैं इनकी एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं PPG, जिसको बोलते हैं फोटोप्लेथिस्मोग्राफी। मतलब जो रिस्ट पे जो है, जब वॉच की जो लाइट जलती है, जब हार्ट रेट आप मॉनिटर ऑन करते हैं तो वो रिस्ट पे जो है लाइट मारती है। उससे क्या होता है, जो हमारी स्किन के नीचे जो ब्लड फ्लो चल रहा होता है वो क्या करता है, वो रेड कलर का होता है, तो इस ग्रीन लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और जितनी फास्ट ब्लड जो है ट्रैवल कर रहा होता है हमारी बॉडी में, मतलब जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो ब्लड फास्ट ट्रैवल करता है, हार्ट बीट स्लो होती है तो ब्लड भी स्लो ट्रैवल करता है, तो जितनी ज़्यादा वो लाइट, जितनी स्पीड पे लाइट ऑब्जॉर्ब करता है, उसी से हिसाब से जो वॉच का सॉफ्टवेयर होता है, जो सेंसर होता है, वो रीड करता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी है और आपको जो है रिजल्ट देता है। अब ये जो सरफेस वाली बात है, आप देखिए किसी सरफेस पे, हर सरफेस पे जो रीडिंग अलग अलग आती है। तो जैसे कि अगर आप इसको किसी टेबल वगैरह पे रखेंगे रीडिंग कुछ और होगी, कपड़े पर रखेंगे रीडिंग कुछ और होगी, और किसी फ्रूट वगैरह पे या किसी टिश्यू पेपर पे रखेंगे तो रीडिंग कुछ और होगी, क्योंकि उसको ये नहीं पता सेंसर को कि भैया ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, वो बस लाइट फेंक रहा है और रीडिंग ले रहा है। तो जब वो लिविंग थिंग के पास आता है इसलिए वो एक्यूरेट रीडिंग दे पाता है। और आपको एक और बात बता दूं, ये PPG सेंसर में अगर ऐसी चीज़ है, ऐसी दिक्कत है, मैं श्योर नहीं हूँ 100% कि ये सिर्फ PPG सेंसर के साथ है या बाकी सारे सेंसर्स के साथ भी है, लेकिन अब आप Amazfit की अगर जितनी वॉचेज़ देखते हैं वो सारी जो है PPG 2 सेंसर पर जा चुकी हैं। बायोट्रैकर PPG 2 लगा मिलता है, चाहे BPO हो, GTS 2 mini हो या GTR वगैरह जो भी नई सीरीज है, इसलिए अब वो भी सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर नहीं करते। अब ये मुझे नहीं पता भाई नॉइस की वॉचेज़ कौन सा सेंसर यूज़ करती हैं जो वो सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर वो भी नहीं करती। और आज मैं सिस्का का भी रिव्यू बना रहा हूँ तो सिस्का की वॉच ने भी सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर नहीं किया, ऑनर ES भी नहीं करती, लेकिन जो बाकी वॉचेस कर रही हैं उनमें अच्छी बात यह है कि वो अगर ह्यूमन बीइंग का हार्ट रेट मॉनिटर करती हैं तो रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट देती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में या इन सेंसर्स के बारे में, और अगर किसी और स्मार्ट वॉच को लेकर भी आपकी कोई राय है या सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।